मेरी मम्मा को कहा था कि क्यों मार रहे हो। मम्मा कह रही इसको वो हमारे साथ ऐसे ही धक्के खा रही है बार बार, इसको क्या करेंगे, इसको मार दे। पर मम्मा कह रही मारना जरूरी है। मम्मा कह रही थी तू चुप हो जा, जल्दी से ना पैकिंग कर और यहाँ से जल्दी से निकल। यमुनानगर के गांधीनगर निवासी मनिंदर कौर ने अपनी प्रेमी की खातिर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस काम में मनिंदर कौर का प्रेमी भी बराबर का भागीदार था। गौरतलब है कि 8 अगस्त को मनिंदर अपने पति के साथ झगड़ा करने के बाद दोनों बच्चों को लेकर घर से चली गई थी और ना मिलने से मनिंदर के ससुराल वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। लेकिन इस बीच मनिंदर कौर अपने प्रेमी के साथ अमृतसर के एक होटल में ठहरे थी। यहाँ मनिंदर कौर ने अपनी बेटी दिव्य ज्योत, जिसकी उम्र लगभग 3 साल की थी, उसका अपने ही दुपट्टे के साथ गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। और इस मामले में जब 7 साल के बेटे हरकित ने रोका तो मां ने कहा कि इसका मरना ही बेहतर है। क्या कुछ कहा बेटी ने आप भी सुनिए। मम्मा ने क्यों पता नहीं कौन सा उसके साथ में मम्मा के एक अंकल कैसे मारा था, उसका गला घोटा था। किस चीज के साथ? चुन्नी के दुपट्टे के साथ। और बाद में मम्मी कहाँ ले गई दीदी को? गुरुद्वारे। आप वहीं बैठे रहे थे? कहाँ? अपनी दीदी के पास? नहीं, हमने गांधी को कह रहा था कि हम इसको ना 2 मिनट पकड़ो, मैं वॉशरूम करके आया। अच्छा, फिर वहाँ से निकल गए थे। मारने के बाद अंकल कहाँ थे? अंकल अपने घर चले गए थे। फिर आपको मम्मा कहाँ लेके गई थी? मम्मा चंडीगढ़। अच्छा, तो ये दीदी को वहाँ पे क्यों रखा गुरुद्वारे में? मम्मा कह रहे थे कि जहाँ इसकी डेथ हुई है बाबा जी इसका संस्कार करेंगे। आप वहीं बैठे रहे थे? नहीं, मैं मम्मा के साथ चल गया था। तो आपने कुछ कहा था मम्मा को? मेरी मम्मा को कहा था कि क्यों मार रहे हो। मम्मा कह रही इसको वो हमारे साथ ऐसे ही धक्के खा रही है बार बार, इसको क्या करेंगे, इसको मार देते हैं। आपने मना नहीं किया? मैंने, पर मम्मा कह रही थी तू चुप हो जा, जल्दी से ना पैकिंग कर और यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। आपने बोला था कि मम्मा इसको मत मारो? मैंने बोला था, पर मम्मा कह रही मारना जरूरी है। हरकीर्त के अनुसार माँ और उसके प्रेमी ने गला घोट दिया और जब दिव्यज्योत की मौत हो गई तो अंकल तो चले गए और माँ 3 घंटे तक दिव्यज्योत को गोद में उठाए इधर उधर भटकती रही और बाद में बेटी को गुरुद्वारा के बाहर जोड़ा घर के पास बेटी को रखकर माँ ने हरकीरत को वहीं कुछ देर के लिए बिठा दिया। बाद में बेटी को अपने साथ लेकर अंबाला की बराड़ा में ले आई। यहाँ बेटी के गुम होने की बात पुलिस को बताई तो पुलिस ने यमुनानगर जाने की सलाह दे दी। लेकिन मनिंदर कौर राजपुरा पहुंच गई जबकि दूसरी तरफ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक मासूम का शव मिलने के बाद सीसीटीवी फुटेज को पंजाब में वायरल कर दिया था। राजपुरा पुलिस को जब महेंद्र ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की बात कही तो फोटो दिखाते ही पुलिस ने मनिंदर कौर को पहचान लिया और वायरल वीडियो को देखते ही पुलिस ने मनिंदर कौर को हिरासत में ले लिया। उनको राजपुरा से लेके आए थे, राजपुरा थाना में उनको शक के आधार पर बिठाया गया था तो वहाँ से फिर हम पूछताछ के लिए लेके आए क्योंकि कल वीडियो वायरल हो रही थी भी एक बच्ची छोटी 3-4 साल की अपना हरबंदर साहब के बाहर आउटर बाउंड्री में किसी छोड़ के चले गए तो उसमें फिर ये लेडीज़ की और इसके छोटे बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी जो इसकी मदर ही थी जिसका हमारे पास हमने गुमशुदगी का पहले मुकदमा दर्ज किया हुआ था। तो ये जब वहाँ पहुँची है राजपुरा तो इन बिटवीन वहाँ पे वीडियो वायरल हो गई, ये वहाँ पे अपनी बेटे की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई थी एक्चुअल में, उससे पहले बराड़ा गई है। बराड़ा जाने के बाद इसको मना कर दिया भी आप अपना यमुनानगर जाके लिखवाओ भी आपका वहाँ पर्दा रहने वाले हो, तो फिर ये वहाँ चली गई राजपुरा। राजपुरा मैंने वहाँ
पता किया तो वहाँ इसको पुलिस मुलाजिम ने पहचान लिया, फिर इसको वहाँ ले गए थाना में। तो वहाँ से फिर इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास, तो हम वहाँ जाके पूछताछ किए, फिर इसको रात पूछताछ के लिए लेके आए थे। बाकी इसकी आज अब बच्ची का भी उसमें पोस्टमार्टम भी हो गया, तो उसमें उसका गला घोट के मारना तहरीर हुआ है। तो पूछताछ में इसने, ये लेडीज है और इसके साथ एक और लड़का है, उसका नाम आ रहा है, का अम्बाला का रहने वाला लड़का, मे भी अमित नाम है उसका। उसने होटल में ही जो अभी तक बात सामने आई है होटल में की, वो अभी तो 30 चल रही है, अभी इसमें थोड़ा एक दो दिन में सारी बात क्लियर आ जाएगी। पूछताछ के लिए मेन तो महिला ही है हमारी, बाकी वो लड़का है उसको हम ढूंढ रहे हैं, देखो उसके लिए रेड वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि तो फिर इसके घर वालों ने लिखवाई थी ना, दो बच्चे थे और ये थी स्कूटी पे गई है अपने बच्चों को लेके, तो फिर उसके बाद हमने फिर मुकदमा दर्ज कर दिया था इसमें। वो भी करनी है सारे काम, तो 30 प्रॉपर पूछताछ है, बेटी का बच्ची का पोस्टमार्टम होना, उसकी रिपोर्ट आनी जरूरी थी, तो अभी हो चुका है कुछ देर पहले ही, तो उसमें गला दबा के अब हमने पूछताछ कर लिया। अब इनके खिलाफ अब जो धारा 302 ईजाद करेंगे इसमें। फिलहाल मनिंदर कौर अब यमुनानगर पुलिस की हिरासत में है और पुलिस अब उसके प्रेमी की तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।